नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर्व वर्मा है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रीन बेरिली को कैसे पहचाने कलर के बेसिस पे और पन्नों को कैसे पहचाने कलर के बेसिस पे। कलर एक अच्छा खासा फैक्टर है, एक अच्छा खासा वेटेज रखता है इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता करने में कि ग्रीन बेरिली क्या है और पन्ना क्या है। अगर आपका जो स्टोन है, अगर दुकानदार ने आपको जो पन्ना बोल के दिया है, जो स्टोन दिया है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर का है, लाइट ग्रीन कलर का है, तो चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं कि आपके पास जो स्टोन है वो ग्रीन बेरिली है। या फिर अगर आपके ज्वेलर ने या फिर जिससे भी आपने स्टोन खरीदा, ऑनलाइन खरीदा हो या ऑफलाइन खरीदा हो, उसने जो आपको स्टोन दिया है उसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा खास नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब 90-100% के आसपास उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और वो डार्क कलर का है या फिर डार्क ग्रीन भी हो सकता है, ब्लूइश ग्रीन भी हो सकता है, अगर इस टाइप का कलर है उसका, तो चांसेस हैं कि आपके पास जो पत्थर है वो एक पन्ना है, यानी कि एमरल्ड है। एक छोटा सा फैक्टर था ये पता करने का कि ग्रीन बेरिली और एमरल्ड यानी कि पन्ने के बीच में क्या अंतर होता है। दोस्तों, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट पे भी ज़रूर चेक करिए कि उस पर आइडेंटिफिकेशन या फिर कंक्लूजन या फिर रिजल्ट के सेक्शन में या फिर वैरायटी के सेक्शन में लिखा है कि नहीं नेचुरल एमरल्ड। अगर नेचुरल एमरल्ड लिखा है तो ये चीज़ पक्का हो जाएगी कि आपके पास जो स्टोन है वो पन्ना है। बस इसमें बात ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक जनरल लेवल का हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप कोई भी स्टोन हमसे लेना चाहते हैं, चाहे वो पन्ना हो, मूंगा हो, माड़े को, रुद्राक्ष हो, कोई भी स्टोन, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए और फ्रेश टॉपिक साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।